Hello students, in this video I will give you the introduction of chapter 10, that is mensuration. So first of all we'll study about what perimeter is. Perimeter kya hota hai? Ab let us suppose maine aapko bola ki ye ek playground hai और यू आर स्टैंडिंग हेयर, आप यहाँ पे खड़े हुए, मैंने बोला कि आपने इस प्लेग्राउंड का पूरा राउंड लगाना है, ठीक है, पूरा राउंड लगा के अपनी पोजीशन पे बैक आना है. तो आप यहाँ से गए यहाँ पे, फिर आपने कंप्लीट राउंड लगा के आप अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करोगे, ये सारी साइड्स को सम कर दोगे कि जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. दैट मीन्स आउटर बाउंड्री जो है आपके पास, उसका सम करके हमारे पास क्या मिलता है, पेरीमीटर. सपोज करते हैं कि ये आपके पास 5 मीटर गिवन है, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है, ये 4 मीटर है बिकॉज दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है आपके पास. तो अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगुलर फील्ड की, इक्वल. तो अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, 5 + 4 + 5 + 4, ठीक है. जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 18 मीटर, आपके पास 18 मीटर मिल गया यहाँ पे. तो हमारे पास इस प्लेग्राउंड का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 18 मीटर, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो इस स्क्वायर फील्ड की बेटा क्या होंगी, सारी की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. अगर ये 5 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर. तो पेरीमीटर, अगर मुझे इस वाली एक फिगर का निकालना है, स्क्वायर फिगर का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है. तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5, दैट इज 20 मीटर, ठीक है. अब हम इनका फॉर्मूला करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है. दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ऑल्सो ब्रेड. रेक्टेंगल क्या होता है, इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो पेरीमीटर हमारे पास बनता है इसका 2 × लेंथ + ब्रेथ. सेकेंड बात करते हैं हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर की. अब स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इफ दिस इज एस, दिस इज ऑल्सो एस, दिस इज ऑल्सो एस एंड दिस इज ऑल्सो एस, ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 4 × साइड. 4 × साइड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है. अब ये ट्रायंगल ऐसी है आपके पास कि इसमें सारी की सारी साइड्स आपकी क्या है बेटा, इक्वल हैं. लाइक अगर मैं बात करती हूँ, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए, तो आपके पास इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका, a + a + a, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा. अब ये सारी साइड्स इक्वल है तो इस वाली ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. इस वाली ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला इसका बन सकता है 3 × साइड, दैट मीन्स आपके पास 3 × a था, a + a + a, आपके पास 3 × a था, तो 3 × साइड, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 × साइड. ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है. अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या आपके पास स्केलन ट्रायंगल हो, तो उसमें क्या करोगे, आप साइड्स का सम करोगे, तब आपके पास पेरीमीटर आएगा, ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट मैं आपके पास एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अब देखो बेटा, हमारे पास ये एक फिगर गिवन है, ठीक है. इसमें अगर हम बात करते हैं कि कितनी साइड्स हैं, 1, तो इस फिगर में 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, टोटल 8 साइड्स आर देयर. तो इस फिगर का हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देंगे. जब हमारे पास 8 साइड वाली फिगर है, करते हैं 1 m + 2 m + 3 m + 4 m + 1 m + 2 m + 4 m + 5
मीटर, ठीक है. आप इन सबको ऐड करते हो तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है. 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11 + 2 = 13, 13 + 4 = 17 and 17 + 5 = 22 meters. तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया बेटा आपके पास, 22 मीटर इज द पेरीमीटर. नाउ विल मूव ऑन टू द एरिया. व्हाट एरिया इज, ओके. अब एरिया क्या होता है बेटा, सपोज करो आपके पास एक ये ग्राउंड है. मैंने बोला आपको कि इस ग्राउंड के अंदर आपने ग्रास लगानी है पूरे ग्राउंड में, ठीक है. तो अब आप ग्रास कहाँ पे लगाओगे, ग्रास कहाँ पे लगाओगे, इस इनर वाले एरिया में लगाओगे, ठीक है. तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है. जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो आउटर बाउंड्री आ जाता है, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो मतलब इनर पार्ट, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. सेकेंड बात करते हैं हम स्क्वायर की. अब स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. एस 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 एस, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं साइड इंटू साइड. हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. सो एरिया जब हम लिखते हैं, लाइक हमने हमारे पास 2 मीटर, सपोज करो लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर. मैंने बोला इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो आप कैसे लिखोगे, 2 मीटर इंटू 1 मीटर. आपके पास कितना बन गया, 2 मीटर. ऊपर क्या लग जाता है बेटा, स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर. और पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी यूनिट सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप में आती है. लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या लग जाता है, मीटर स्क्वायर. आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो 2 मीटर स्क्वायर मतलब ऊपर 2 लगाया, या आप उसको लिखोगे 2 स्क्वायर मीटर, लाइक दिस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इज दिस क्लियर बेटा. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल डू एक्सरसाइज 10.1.